आलू को 25% उबाल लिए हैं, ऊपर से हल्का सा नरम हुआ है। आज इसी का टेस्टी रेसिपी बनाएंगे। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी का टेस्टी रेसिपी बनाने के लिए 25% आलू को बॉईल कर लिए हैं। आप चाहे तो 100% भी बॉईल करके पका सकते हैं या फिर बॉईल किए बगैर भी पका सकते हैं। बाकी आलू भी इसी तरह छील लेंगे। छीला हुआ आलू को दो हिस्सों में कट कर ले। आप इससे बड़े साइज का आलू लेते हैं तो तीन हिस्से में कट करें। देखिए अंदर से आलू एकदम कच्चा है। इसी तरह सब आलू कट करके फॉक से छेद कर लेंगे ताकि तेल मसाला का फ्लेवर आलू के अंदर तक जा सके। डालें एक प्याला में, डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। टॉस करते हुए नमक हल्दी के साथ आलू को अच्छी तरह से मिला दे। चम्मच या फॉक से ना मिलाए, इससे आलू टूट सकता है। टॉस करके मिलाने से आलू में हल्दी का कोटिंग बहुत ही अच्छी तरह से होता है और टूटने का चांस भी नहीं रहेगा। एक छोटा सा मिक्सिंग बोल में 2 टीस्पून लिए हैं दही। ये घर का जमाया हुआ खट्टा दही है, मगर ज्यादा खट्टा दही ना ले। चलाते हुए अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। इसी में मसाला डालेंगे, इसीलिए दही को पहले ही फेंट लिए हैं। आप चाहे तो अलग से मसाले को भिगोकर रख सकते हैं। डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर। साबुत जीरा डालेंगे, इसीलिए जीरा पाउडर कम डाले हैं। 1/4 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। सूखा मसाला को दही के साथ अच्छी तरह से मिला दे। अगर ना मिले तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं। इसे कुछ देर रेस्ट में रखेंगे ताकि मसाला दही के साथ अच्छी तरह से फूल सके। लिए हैं एक बड़े साइज का टमाटर को स्लाइस में कट करके और 2 मीडियम साइज का प्याज को भी स्लाइस में कट किए हैं। आप प्याज का मात्रा इससे भी ज्यादा ले सकते हैं। लिए हैं 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। खड़ा मसाला में लिए हैं 2 तेजपत्ता, 2 सूखी मिर्च, जीरा, दालचीनी, जोइत्री, 2 इलायची, 4 लौंग, बड़ी इलायची। लिए हैं 1 टेबल स्पून काजू, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और चीरा लगाया हुआ मिर्ची। आलू का रेसिपी बनाने के लिए लिए हैं मस्टर्ड ऑयल 4 टेबल स्पून। आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवन को ऑन करके बैठाएंगे कढ़ाई। आप कोई भी बर्तन में आलू को पका सकते हैं। डालें 2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल। नमक हल्दी लगाया हुआ आलू को कढ़ाई में डालकर तब तक फ्राई करें जब तक हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई ना हो जाए और आलू भी हल्का सा सीझेगा। हल्का सा गोल्डन ब्राउन होते ही आलू को कढ़ाई से निकाल लें। आप चाहे तो पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर सकते हैं, इससे आलू पूरी तरह से सिझ जाएगा। बचा हुआ 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल को कढ़ाई में डालें। डालें साबुत गरम मसाला। चलाते हुए 15 से 20 सेकंड तक पका लें ताकि खड़ा गरम मसाला का फ्लेवर तेल में जा सके और खड़ा गरम मसाला पकने से इसका स्मेल बहुत ही अच्छा आता है। डालें स्लाइस में कटा हुआ प्याज। आप चाहे तो इसमें से आधा प्याज को पेस्ट करके डाल सकते हैं। चलाते हुए अच्छी तरह से मिलाकर तब तक पका ले जब तक प्याज सॉफ्ट ना हो जाए। मीडियम फ्लेम में 5 मिनट तक प्याज को पका लिए हैं। देखिए प्याज सॉफ्ट हो चुका है। इससे भी अच्छा सॉफ्ट करना चाहते हैं तो नमक डालकर ढक ढक कर पकाए। अच्छा और बहुत ही जल्दी सॉफ्ट होगा। डाले स्लाइस में कटा हुआ टमाटर और नमक। आप टमाटर को बारीक काट कर या पेस्ट भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिला दे। इस टमाटर को चलाते हुए 50% तक सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। बचा हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट और मसाला डालकर फ्राई करना पड़ेगा। 3 मिनट तक टमाटर को फ्राई करके डालें जिंजर गार्लिक पेस्ट। मिलाते हुए कच्चा फ्लेवर जाने तक जिंजर गार्लिक को पका लें। 1 मिनट पकाते ही इसका कच्चा फ्लेवर चला जाएगा। डालें दही मिक्स किया हुआ मसाला। आप चाहे तो दही और मसाला को अलग अलग डालकर भी पका सकते हैं, परंतु दही जब भी डालें फ्लेम को एकदम लो रखें, वरना दही फट सकता है। मिक्सिंग बोल में मसाला लगा हुआ था, फेंके ना। थोड़ा पानी डालकर धोकर कढ़ाई में डाल दे। मसाले को फ्राई करने में ये पानी काम आएगा। चलाते हुए अच्छी तरह से मिलाकर तब तक पका ले जब तक मसाले से दही का स्मेल ना चला जाए, साथ ही मसाले से तेल भी अलग होने लगे।
लो फ्लेम में मसाले को 10 मिनट तक पका लिए हैं। देखिए मसाला तेल छोड़ने लगा है और दही का स्मेल भी जा चुका है। फ्लेम को लो मीडियम करके डाले काजू का पेस्ट। आलू का रेसिपी में काजू का पेस्ट डालने से स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। अच्छी तरह से मिलाते हुए तब तक पका ले जब तक काजू पेस्ट का कच्चा फ्लेवर ना चला जाए। काजू पेस्ट डालने के बाद मसाला फिर से तेल छोड़ चुका है देखिए, और मसाले में बहुत अच्छा शाइनिंग भी आ चुका है। काजू पेस्ट डालकर और 5 मिनट तक पका लिए हैं। डाले फ्राई किया हुआ आलू, चलाते हुए अच्छी तरह से मिला दे और तब तक पका ले। आलू में किया हुआ छेद से मसाला का फ्लेवर आलू के अंदर तक ना चला जाए। आप चाहे तो इस वक्त एकदम फ्लेम को लो करके भी आलू को मसाले के साथ कस सकते हैं। जितना अच्छा कसाई होगा फ्लेवर उतना ही अच्छा आएगा। मीडियम फ्लेम में 2 मिनट तक और भून लिए हैं। डालेंगे 2 गिलास पानी, क्योंकि ये आलू पूरी तरह से बॉईल नहीं था, इसी पानी में सीझेगा भी। पानी के साथ मसाले को अच्छी तरह से मिलाकर ढककर दम में पका लेंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर अच्छी तरह से चलाते हुए चेक कर ले आलू सीझा है या नहीं। अगर आलू को काटने से या मैश करने से आसानी से कट जाए या मैश हो जाए तो समझ लीजिए आलू अच्छी तरह से सीझ चुका है। डाले 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, इसे अवश्य डाले, स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। 2 टीस्पून घी, तीखा के लिए चीरा लगाया हुआ मिर्ची, भुना हुआ कसूरी मेथी। चलाते हुए अच्छी तरह से मिलाकर फ्लेम को ऑफ करके कुछ देर ठंडा कर ले। बनकर तैयार है कश्मीरी दम आलू रेसिपी। देखिए कश्मीरी दम आलू का कलर प्लेटिंग कर लेंगे। कश्मीरी दम आलू रेसिपी को आप चावल, रोटी, पराठा, पूरी, पुलाव, फ्राई राइस के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत टेस्टी बना भी है। इस तरह से एक बार जरूर ट्राई करें। पसंद आए तो लाइक देना ना भूले। बगल में आया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस करें। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।